अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे इज द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इन लैंग्वेज टीचिंग। द कोर्स द कंटेंट्स ऑफ दिस टॉपिक विल बी इट्स इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन ऑफ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, की फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड एग्जांपल्स एंड द पेडागॉजिकल क्रिटिसिज्म एंड अल्टरनेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेस एंड देन इट्स कंक्लूजन। First of all, introduction. What is grammar translation method? It is a traditional method of teaching teaching a language. It focuses more on the written language because it considers written language superior to the spoken language. It is a traditional approach to the study of the teaching of Greek and Latin, and it is a most prominent method in the 19th century Europe. So what is written here that the grammar translation is a traditional language teaching approach that focuses heavily on grammar rules and translation exercises. What is the definition of grammar translation method? The grammar translation method is an instructional approach that emphasizes the use of translation and rote learning of grammatical rules. It involves the direct translation of sentences between the target language and the native language of the learners. The goal is to develop reading and writing skills rather than oral communication. What does it said? It is said that it is an instructional approach. Okay, मतलब कि ये जो है ये इस एम्फसाइज करती है कि इसके यूज़ ऑफ ट्रांसलेशन को, यानी अगर आपका कोई लैंग्वेज सीखना चाह रहे हो तो आप उससे पहले क्या करोगे, पहले आप उसकी उसको ट्रांसलेट करोगे अपनी नेटिव लैंग्वेज में। ठीक है, जैसे आप हम बचपन में पढ़ते थे अपने फर्स्ट सेकंड ग्रेड में जब हमें सिखाया जाता था, तो वो पहले हमें बताते थे कि जैसे बुक को हम अपनी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, हम किताब कहते हैं, ठीक है, कलम को हम पेन कहते हैं। इसी तरह से ये ट्रांसलेशन हम कर रहे होते थे, ये हमें जिसके थ्रू इंग्लिश सिखाई गई वो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड ही था। इसके लिए हमारे पास वर्ब कंजुगेशंस आने चाहिए, जैसे कि हम कहाँ पे किस तरह का टेंस लगाना है, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, और दूसरे ग्रामेटिकल पैराडाइम्स हमें आने चाहिए। ठीक है, और सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स हमें पता होना चाहिए उस लैंग्वेज का, अपनी लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए और उस लैंग्वेज का भी पता होना चाहिए। तो अब की फीचर्स क्या हैं इसके, इट फोकसेस ऑन ग्रामर जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड प्लेसेस अ स्ट्रॉन्ग एम्फसिस ऑन लर्निंग एंड मेमोराइजिंग ग्रामेटिकल रूल्स एंड स्ट्रक्चर्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कब कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है हमने, ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करना है हमने, जिससे कि इंग्लिश में हमारा होता है क्या क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है, उर्दू में क्या होता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। इंग्लिश में जो है आपको पता होगा कि पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं, फिर सारा राइट्स अ लेटर, ठीक है, सब्जेक्ट सारा राइट इस जो है वो वर्ब है और लेटर जो है वो ऑब्जेक्ट है। उर्दू में हम क्या कहते हैं, सारा खत लिखती है, सारा जो है वो सब्जेक्ट आ जाता है, खत जो है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और जो वर्ब लिखती है वो क्या हो जाएगा, वो हमारा वर्ब होगा, तो वो बाद में। इस तरह जो है हमारे जो सिंटैक्टिकल स्ट्रक्चर्स भी डिफरेंट होते हैं लैंग्वेज के, उसको हमने फोकस करके ग्रामर पे उसको सीखना होता है। फिर ट्रांसलेशन एक्सरसाइज होती है, जैसे टीचर्स हमें एक्सरसाइज करवाती है ट्रांसलेशन करके, जैसे उर्दू में पैराग्राफ दे दिया, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज आर कोर कंपोनेंट ऑफ दिस मेथड विद लर्नर्स ऑफन रिक्वायर टू ट्रांसलेट सेंटेंसेस फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज टू देयर नेटिव लैंग्वेज एंड वाइस वर्सा। देन वोकैबुलरी एक्सपेंशन, द मेथड एम्स टू एक्सपेंड लर्नर्स वोकैबुलरी थ्रू एक्सटेंसिव रीडिंग ऑफ टेक्स्ट एंड ट्रांसलेशन ऑफ द वोकैबुलरी वर्ड्स। What are the advantages of grammar translation method? अब इसके benefits क्या हैं, इसके significance क्या है, किसको इसकी importance क्या है, इसके advantages merits इसके क्या हैं, कि क्या कहती है, it develops analytical skills. By focusing on grammar rules and translation, learners develop strong analytic and problem solving skills in language learning. Second क्या है, it improves the reading and writing skills. Third क्या है, it the cultural understanding, the method often includes reading text from the target language. Literature providing learners with cultural insights and the understandings. Then essay assessments, easy assessments. Assessment of the learner's progress is relatively easier to the translation exercise and grammar tests. अब इसके disadvantages के हैं, limited speaking skills होती हैं हमारे पास। ठीक है, the method of focus primarily on reading and writing skills. मैंने आपको बताया कि जो लोग हैं ये spoken को inferior कहते थे, written language को जो है ये क्योंकि traditional way है
ठीक है, तो रिटन लैंग्वेज को ये सुपीरियर कहते हैं और स्पोकन को ये इन्फीरियर कहते हैं। ठीक है, तो इसका मेन फोकस होता है वो रिटन पे होता है, ठीक है, स्पोकन पे नहीं होता। ठीक है, फिर ये क्या कर लेता है कि इस जब सिर्फ रिटन को देखते हैं तो फिर ये निगलेक्ट कर देते हैं ओरल कम्युनिकेशंस। ठीक है, ओरल कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस जो है वो निगलेक्ट हो जाती है। लैक ऑफ ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़, ठीक है, ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ नहीं होती। ठीक है, कहता है एम्फेसिस ऑन दी ट्रांसलेशन एंड आर्टिफिशियल लैंग्वेज एक्सरसाइज मे रिजल्ट इन अ लैक ऑफ एक्सपोजर टू दी ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़। अब एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांसलेटिंग अ पैराग्राफ फ्रॉम अ टारगेट लैंग्वेज टू अ नेटिव लैंग्वेज, इसको आप प्रिंसिपल भी कह सकते हैं इसके, कि पहले जो है ट्रांसलेट करते हैं पैराग्राफ को फ्रॉम दी टारगेट लैंग्वेज टू दी नेटिव लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज कौन सी होगी जो आप सीख रहे हैं। ठीक है, टारगेट लैंग्वेज से पहले हम अगर इंग्लिश में कोई पैराग्राफ दिया हुआ है तो हम उसको पहले क्या करेंगे, हम उसको उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, फिर क्या करेंगे हम ग्रामर ड्रिल्स यानी कि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज़ करके इनटू प्रैक्टिस सेंटेंस कंस्ट्रक्शन। ठीक है, उसको ग्रामर उसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को हम प्रैक्टिस करेंगे किस तरह होगा। थर्ड क्या होगा, एनालाइज करेंगे और फिर ट्रांसलेटिंग करेंगे लिटरेरी टेक्स्ट को, उसी टेक्स्ट को फिर हम उसके बाद ट्रांसलेट कर देंगे। अब पेडागोजिकल क्रिटिसिज्म इस पर क्या हुआ है, ठीक है, ये कहते हैं कि इन इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेटिव स्किल्स, आपको मैंने बताया है इसके डिसएडवांटेजेस में कि जो है ये सिर्फ रिटन को देखती है, सुपीरियर कहती है, और इसको स्पोकन को ये नहीं देखती। ठीक है, अब जो है लिमिटेड रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन, मतलब ड्यू टू द फोकस ऑन ट्रांसलेशन एंड ग्रामर रूल्स लर्नर में स्ट्रगल टू अप्लाई देयर नॉलेज इन रियल वर्ल्ड ऑथेंटिक सिचुएशन, देन द लैक ऑफ मोटिवेशन, दिस मेथड मे लेड टू रिड्यूस्ड मोटिवेशन अमंग लर्नर्स ड्यू टू द रिपीटेटिव एंड मैकेनिकल नेचर ऑफ एक्सरसाइजेस एंड इट नेग्लेक्ट द प्रोनाउंसिएशन एंड लिसनिंग स्किल्स ऑल्सो। ठीक है, ये आपको सब कुछ मैं बता चुकी हूँ पहले। अब अल्टरनेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोचेस क्या हो सकती है, कम्युनिकेटिव अप्रोच हो सकती है। ठीक है, फोकस ऑन दी ये क्या करती है, अप्रोच फोकस करती है किस पे, लर्नर की कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ करने पर। ठीक है, किसके थ्रू, इंटरेक्टिविटीज़ के और ऑथेंटिक लैंग्वेज यूज़ के। और अब टास्क बेस्ड अप्रोच कौन सी होती है, इस अप्रोच में क्या कहते हैं, लर्नर इंगेज इन टास्क एंड एक्टिविटीज़ दैट स्टिमुलेट रियल वर्ल्ड लैंग्वेज यूज़ प्रोमोटिंग लैंग्वेज एक्विजिशन थ्रू द मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट्स। कंक्लूजन में क्या है कि ये इफेक्टिव है फॉर स्पेसिफिक गोल्स एंड इट हैज़ लिमिटेड एप्लीकेशन एंड अडॉप्टेशन एंड इंटीग्रेशन। The grammar translation method can be effective for developing reading and writing skills as well as analytical abilities in language learning. And however, its limitation in developing oral communication and authentic language use should be considered when choosing language teaching methods. Then it can be adopted and integrated with other approaches to create well-rounded language learning exercises. Okay, thank you.